स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। तो फ्यूचर टू यू अकेडमी पर आपका लिए आज दोबारा से मैं ब्लॉक फोर जो है उसके सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं EHI 05 के इग्नू का, जो कि आपका है इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम मिड 18th to 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडिया का जितना भी है, वो इस EHI 05 के जितने भी ब्लॉक फोर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने आपको दूंगा आज। तो देखिए इसमें जो ब्लॉक फोर में आपके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक है, चैप्टर 14 से चैप्टर 18 तक है। तो करीब इसमें पाँच चैप्टर हैं वो, तो पाँच चैप्टर हैं तो पाँच चैप्टर के क्वेश्चन मैं दूंगा। पहला ही चैप्टर जो है इस ब्लॉक का नाम है कॉलोनियल इकोनॉमी, ब्लॉक का नाम है कॉलोनियल इकोनॉमी, और इसका जो पहला ही चैप्टर है वो है मर्केंटाइल पॉलिसीज एंड इंडियन ट्रेड, मर्केंटाइल पॉलिसीज एंड इंडियन ट्रेड। तो इसका जो पहला ही क्वेश्चन बन सकता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनोपोली ट्रेड, मोनोपोली ट्रेड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकते हैं, मर्केंटाइल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना पूछ सकता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाई डिड मर्चेंट्स कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज टर्न टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी एंड पॉलिटिकल पावर्स। ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से वह क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ कि मर्चेंट्स को, जो कि मर्चेंट्स जो आए हुए थे उनको टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना और पॉलिटिकल पावर पे भी कब्जा करना भी उनको ऐसा करना पड़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म के बारे में बोल सकता है शॉर्ट नोट लिखने को। अब महलवैरी सेटलमेंट्स के बारे में इसके फीचर्स पूछ सकता है, परमानेंट सेटलमेंट्स के बारे में जो कि बंगाल में था ब्रिटिश के द्वारा जो कही गई थी उसके बारे में पूछ सकता है, इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स को पूछ सकता है, नेचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल और उसके इफेक्ट क्या थे, क्वेश्चन ये बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें से कि हाउ डिड द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री इन इंडिया, किस तरीके से जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो इनिशिएट ब्रिटिश द्वारा किए गए थे उन्होंने पीजेंट्री, इंडिया की जो पीजेंट्री है उसको किस तरीके से अफेक्ट किया, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रियोटवारी सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, रियोटवारी सेटलमेंट्स जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी उसके क्या फीचर्स थे, तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन, देखो इफेक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन पूछ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोल सकता है और एग्जामिन करने को बोल सकता है क्रिटिकली कि क्या इफेक्ट था प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी पे, क्या इफेक्ट पड़े। और ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट वेज इन विच द न्यू कमर्शियल एग्रीमेंट एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो आपका हमें डिफरेंट वेज बताने हैं जिसमें नया न्यू कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच हैड ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद अगर हम अब बात करें थोड़ा और चलते हैं आगे, देन अगला हमारा टॉपिक है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में हुआ उसके बारे में भी ये जो है आपका इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं हमारा नेचर ऑफ यूरोपियन ट्रेड विद इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ में क्या नेचर था यूरोपियन ट्रेड का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूरोपियन ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद यूरोपियन ट्रेड का क्या हुआ उसका, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और डू यू एग्री विद द व्यू दैट द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ फेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19, क्या आप मानते हैं कि 19वीं सदी में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अंडरवेंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें। और इसमें ये भी पूछ सकता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और इसके कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, इसके डिक्लाइन के क्या कॉजेज हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। देन उसके बाद एक है ये हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर जो है इस ब्लॉक का जो लास्ट चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस आपके जो बन सकते हैं वो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन ऑफ द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, इसका ब्रिटिश पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन हुई थी उसके लिए पूछ सकता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्रिटिकली
द एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स, क्रिटिकली एग्जामिन करना चेंज इंडियन ट्रेडर्स की, एंड द बैंकर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, एंड द बैंकर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। एक हमें चेंजेस बताने हैं सारे, पोजिशन इंडियन ट्रेडर्स की क्या थी और बैंकर्स की, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी क्या पोजिशन हो गई, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पूछ सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फेमाइंस के बारे में बात करता है कि हाउ फेमाइंस रेवेज द कंट्री साइड एंड द ओल्ड सिटीज डिक्लाइन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम डोमिनेंट ओवर द इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता, इसमें बन रहा है कि फेमाइन ने किसी तरीके इस तरीके से कंट्री साइड जो ओल्ड सिटीज थी हमारी, उनको किस तरीके उन्होंने कैसे उनको कैसे डिक्लाइन किया फेमाइंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जब डोमिनेंट में आई, डोमिनेशन में आई, तब उसके बाद कैसे क्या हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द सिस्टम दैट चैनलाइज्ड द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। वो क्या सिस्टम था जिसने फंड को इंडिया और इंग्लैंड में चैनलाइज किया, ये क्या वो कौन सा सिस्टम था। देन एक क्वेश्चन बन सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट था एक्सटर्नल ट्रेड पे, इसका भी हमें क्वेश्चन बन सकता है। देन एक क्वेश्चन इसमें से भी ये भी बन सकता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे बाय द इंग्लिश कैपिटलिस्ट। मतलब इंडियन रेलवेज का क्या रीजन था डेवलपमेंट का रेलवेज बाय इंडियन कैपिटलिस्ट, तो इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए देन उसके बाद ये हमारा अगला ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 5। देन उसको हम मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आपने पुरानी वीडियोस भी नहीं देखी है, पुराने ब्लॉक्स की नहीं देखी है, तो आप पुराने ब्लॉक्स की वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और अब हम और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।